विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2019। ये जो मंडली है सुबह ही सुबह घर से आ गई है और ये स्थान है सबलगढ़ का, मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में कन्याशाला परिसर स्थित। ये पहले से भी काफ़ी यहाँ हरियाली है लेकिन यहाँ इन युवाओं के द्वारा पर्यावरण का महत्व जानना और उस पर अमल लाना, कुछ करना, दोनों ही अलग अलग विषय हैं। उसी दिशा में ये छोटे छोटे और कुछ बड़े और वरिष्ठ सभी तरह के लोग यहाँ हैं। गोल्डी भैया, गोल्डी आपका नाम, क्या विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने आए आप? यस। क्यों लगाना चाहिए पेड़? पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का हम उसे सांस ले पाते हैं, सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। वाह यार, तो मतलब बिल्कुल जीवन बचाने वाला काम कर रहे हैं गोल्डी भैया। और पूरन जी भाई साहब बताएंगे, यहाँ पूरन जी है इनका नाम, और पूरन जी बताएंगे क्यों वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार की अब 50 डिग्री तक तापमान हो रहा है जी, तो वो कहीं ना कहीं वृक्षों की कमी से ही है। हाँ, जो भीषण गर्मी पड़ रही है वो वृक्ष नहीं होने की वजह से अधिक और भीषण लग रही है। अगर वृक्ष होते तो इतनी भीषण गर्मी नहीं लगती। जी जी, है ना, वर्षा अनियमित हो रही है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, तो भी वन क्षेत्रों पेड़ों की कमी से हो रहा है। और यहाँ सबलगढ़ के क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर श्री देवेन जी भी यहाँ हैं। देवेन जी भाई साहब थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्यों वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्षारोपण जरूरी है क्योंकि वृक्षारोपण ही आम आदमी का जीवन है, और वृक्षारोपण बगैर, क्योंकि आज के ज़माने में वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, तो इससे वृक्षारोपण अगर होगा तो बारिश भी होगी, तापमान भी कम होगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हाँ, सबसे वरिष्ठ और हाँ, आपके हिसाब से क्यों वृक्षारोपण आवश्यक? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक। आप हैं श्री गोपीलाल जी गर्ग, जो सबलगढ़ के पूर्व ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी आप रहे हैं, मतलब गुरुओं के गुरु आप रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे विस्तार से आपके आपसे जानना चाहेंगे। विश्व में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है जी। जब तक पर्यावरण संतुलित नहीं हुआ, मनुष्य का जीवन जीवित रहना दूभर हो जाएगा। आजकल अंधाधुंध कटाई हो रही है वृक्षों की जी, नदियों की पानी सूख रहा है, नदियों का पानी सूख रहा है। ये एक बड़ा विषय है। अपन जो देखते थे कि सदा नीरा जो 12 महीने चलने वाली नदियां रहती थी, वो आज जैसे ही बारिश निकलती है उसके 2 से 3 महीने बाद वो नदियां सारी सूख जाती हैं, और कहीं ना कहीं उसमें वृक्षों का बड़ा महत्व है, क्योंकि नदियों के किनारे काफ़ी सारे वृक्ष हमेशा से रहा करते थे, जो कि आज के दौर में नहीं है। और सुंदरता बढ़ाने के लिए, विश्व की सुंदरता बढ़ाने के लिए, स्थानीय सुंदरता बढ़ाने, यहाँ एक फोटो और वीडियो की दुनिया से दूर एक भैया काम कर रहे हैं जो वृक्षारोपण के लिए गड्ढा है, तो इनका वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, पवन जी बताएंगे क्यों वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण आज अपन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है अपने लिए, लोग वहाँ कहते रहते हैं कि भैया गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अगर अपन पेड़ लगाएंगे ही नहीं तो गर्मी तो पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। आज अपन क्या है कि वैसे लोगों को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रहा है जी, सब अपने अपने कामों में मस्त है, 90% व्यक्ति अपने कामों में मस्त है, उनको कोई मतलब नहीं है, और काटने के लिए तैयार रहते हैं, कहीं पेड़ खड़ा मिल जाए, सूखी लकड़ी मिल जाए, हरी लकड़ी मिल जाए, तुरंत काट देते हैं, तुरंत काट देते हैं, कहीं उसको पावड़े का बेटा बनाना है, कहीं उसको चूल्हे में जलाना है। वैसे मोदी जी की योजना चली उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना से एक तरह से पेड़ों की कटाई कम हुई। आप कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं क्या जी? अच्छा, बीच में मोदी जी को इसलिए लेके आए आप, तो इस सबसे दूर अपन, इस चूंकि सामाजिक कार्यक्रम है और सभी वर्ग के लोग हैं, उसमें मोदी जी का वैसे रोल ये आता है। हाँ, मोदी जी का गुणगान काफी हो गया, काफी दिन से चल रहा है। अब इधर थोड़ा सा जानेंगे, शहर के एक प्रबुद्ध शिक्षक हैं आप, श्री पुष्प सागर जी बताएंगे क्यों आवश्यक। वृक्षारोपण आवश्यक, नितांत आवश्यक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है जी। अभी हमारी टीम के द्वारा, पूरा समूह है उसके द्वारा, आगामी जब जो वर्षा ऋतु का काल होगा उसमें भी एक बृहद योजना बनाई गई है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो पेड़ों को वृक्षारोपण करके संभालना थोड़ा सा कठिन है, आने वाले वर्षा ऋतु में काफ़ी बृहद योजना बनाई है वृक्षारोपण की।
वृक्षारोपण मतलब कुछ हजार दो हजार इस तरह हाँ, इस तरह से हमने बात भी कर रखी है प्रशासन से जी। इस तरह से योजना के माध्यम से उसको एक बहुत सराहनीय पहल यहाँ आकार ले दिख रही है। और यहाँ श्री देवेन जी भी यहाँ खड़े हैं। देवेन जी भाई साहब आप कुछ जी भाई साहब मेरा मानना है कि हमें अगर जीवन में लकड़ी की आवश्यकता है और भी कई चीज़ों की साधनों की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी अगर वृक्ष हम नहीं लगाएंगे। हाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है, एक स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिए मनुष्य को वृक्ष लगाने चाहिए। कम से कम उसके जो उपयोग में लकड़ी आनी है या जो भी वस्तु है घर में फर्नीचर है खिड़की दरवाजे किवाड़ वो सारी चीजें अच्छा उन सब के लिए आप मतलब हर चीज के लिए कहीं ना कहीं लकड़ी लिए तो कम से कम लेना चाहिए ना। ये आप बताएंगे भैया क्यों आवश्यक है? स्कूल में कुछ बताया है पेड़ों के बारे में क्यों लगाने? पेड़ पौधों से हम जिंदा रह सकते हैं। पेड़ पौधों से हम जिंदा रह सकते हैं और पेड़ पौधों से स्वच्छ रह सकता है, वातावरण स्वच्छ रह सकता है। हाँ धूल और उसको वो हटा देते हैं। तो इस तरह कई सारे लोगों से हमें जानकारी मिली क्यों पेड़ लगाना चाहिए। ये सारी पूरी टीम लगी हुई है भैया, थोड़ा आप भी इधर आ जाएं फ्रेम के अंदर। हाँ भाई साहब कुछ लोग हैं जो इस सेल्फी के दौर में फोटो भी और दुनिया से दूर हैं, आना नहीं चाहते फ्रेम में। थोड़ा सा रचना में हो जाए तो फोटो ठीक से आ जाएगा। हाँ नित्य धारा पानी हाँ। एक और नए सज्जन यहाँ आ गए हैं, क्षेत्र के प्रबुद्ध नए युवा डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्री पवन जी उपाध्याय जो कि आप काफ़ी सामाजिक कार्यों काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हाल ही में सफल एक साइकिल रैली का इनके द्वारा आयोजन कराया गया और आप बताएंगे इस विषय में क्यों आवश्यक है डॉक्टर साहब? देखिए सही मायनों में ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है। कैसे घूम के आ रहे हैं आप जॉगिंग वाली उसमें हैं? हाँ अच्छा मतलब वास्तव में सजग हैं आप स्वास्थ्य के लिए। मैं तो स्कूल टाइम से ही पर्यावरण में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ जी। प्रदेश और राष्ट्रीय देशी इंटरनेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने पर्यावरण में हर बार अपना योगदान देता हूँ जी और कई सारे अवार्ड भी जीते हैं जी। मतलब पर्यावरण के विषय में सही मायनों में हमको ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जा रहा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए इस पितृ सत्तात्मक समाज में महिलाओं का भी योगदान बहुत जरूरी है पुरुषों के साथ साथ जी जी। महिलाएं बच्चों की तरह पेड़ पौधों में पानी देती हैं, देखभाल करती हैं। आज हमको स्वास्थ्य के साथ साथ एनवायरमेंट और हेल्थ के साथ अच्छे जीवन जीने के लिए अच्छा पर्यावरण पेड़ पौधों का रखरखाव बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, वाहनों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं जी। तो इन सब चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके ऑक्सीजन प्रोडक्शन में ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए, आदमी को पेड़ पौधे लगाने में विशेष रुचि रखना चाहिए। ये इधर शायद वृक्षारोपण चालू हो गया थोड़ा सा। काम हो गया होगा बिल्कुल। इधर देखे थोड़ा सा। हाँ इधर देखिए।